आज से बच्चों की किताबें बड़े पढ़ेंगे, आज से बच्चों के सवाल पर बड़े दिमाग चलाएंगे, आज से बड़े होमवर्क करेंगे और बड़ों की क्लास भी लगेगी, क्योंकि आज से मैं आप सबको फिर लिए चल रहा हूँ स्कूल की दुनिया में। गुड इवनिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, नमस्ते लंदन एंड अमेरिका और सारी दुनिया को मेरा सलाम। मैं हूं शाहरुख खान। बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं बड़ा होकर टीचर बनूं, पर एक्टर बन गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, टीचर बनने की कोशिश मैं करता रहा और फिल्म मोहब्बतें में मुझे टीचर बनने का एक मौका मिला। आप लोगों को याद होगा, पर उस फिल्म में मैंने पढ़ाया कम और बजाया ज्यादा, वायलिन ज्यादा बजाया। लेकिन आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है और मैं टीचर बन गया इस अनोखी क्लास का, जहां से मैं आप सबसे पूछूंगा, क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? अगर हैं तो ये क्लास आपके लिए है। यहां एमए, एमबीए, एमबीबीएस की डिग्रीज नहीं, आपके सपनों को हकीकत मिलेगी और वो भी इतनी आसानी से जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। यहां आपसे पूछे जाएंगे बच्चों जैसे सवाल, बच्चों की किताबों के सवाल, सिर्फ एक से लेकर पांचवी क्लास तक के सवाल। मगर ये खेल सिर्फ बच्चों का नहीं है और ना ही सिर्फ बच्चों के लिए है, लेकिन बच्चे मन के सच्चे मेरी इस क्लास के बहुत जरूरी हिस्सा हैं, क्योंकि जिन्हें आप बच्चा समझते हैं वही बच्चे आपको यहां से वो इनाम दिलवाने में मदद कर सकते हैं जो इंडियन टेलीविजन इतिहास में ना देखा गया है और ना ही कभी लिया गया है या जीता गया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 5 करोड़ रुपए, यानी 5 करोड़ रुपीज। ये तो अब मैं देर नहीं करूंगा, आपको मिलवाता हूं उन 5 पंडितों से जिनके हाथ में है आपके 5 करोड़ की चाबी। एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर माय 5वीं की पहचान। सबकी मदद करेंगे सवालों के जवाब देने में। सबसे पहले है अनुभव। अनुभव बताओ अपने बारे में हमारी क्लास को। मेरा नाम अनुभव मोतीलाल है और मुझे सब अनु भाई बुलाते हैं क्योंकि मैं क्लास में सबसे स्ट्रांग हूँ। क्या बात है। और तुम्हारे शौक क्या क्या है? मुझे डांसिंग और गाना रैप करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एक काम करो, हमारे यहाँ पर जो जनता आई हुई है उनके सामने थोड़ा सा डांस करके दिखाओ ना हमको। एवरीबॉडी लेट्स सेलिब्रेट अनुभव। ये मैं आपके लिए स्पेशल कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपके ही गाने पर। ओके, थैंक यू अगेन वेरी मच। गो। वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद बिना कैसे छीन ली, दिल में बेचैनी अब मैं आवारा हूँ बेचार, ये समझाऊ मैं ये और किस किस को, दिल में मेरे है दर्द दर्द इसको, दर्द दर्द इसको, दर्द दर्द इसको, दिल में दर्द दर्द इसको, दर्द दर्द इसको, दर्द दर्द इसको। Fantastic. और अनुभव के साथ बैठी हुई हैं श्रीपर्णा। मेरा नाम श्रीपर्णा घोषाल है। मेरी हॉबीज है पेंटिंग करना, स्विमिंग करना, डांसिंग करना, पर मेरी सबसे अच्छी हॉबी है बात करना और सोना। मैं इतना बात करती हूँ, इतना बात करके सबकी बोलती बंद कर देती हूँ। और उसके सामने बैठा हुआ है मेरा हैरी पुत्र छोटा सा धैर्य। हाय, मेरा नाम धैर्य है, मेरा कल्पेश सुनेचा है, मुझे बर्गर्स खाना बहुत अच्छा लगता है, मेरी हॉबीज है पेंटिंग करना और ड्राइंग करना। एंड धैर्य के साथ बैठी हुई हैं स्वीट प्रिंसेस श्रिया शिरू। हाय, मेरा नाम श्रिया शर्मा है, मुझे सब प्यार से शिरू और क्यूटी बुलाते हैं, मेरी हॉबीज है डांसिंग, स्विमिंग, स्केटिंग और बुक्स रीड करना, और मुझे पक्का यकीन है मैं एक ना एक दिन तो शारक भैया की प्रिंसेस जरूर बनूंगी। श्रिया, यू ऑलरेडी आर माय प्रिंसेस। उठे उठे बैठा हुआ मेरा मिलनजीत। मिली मिली कैसा है तू? मैं तो ठीक है, तुसी दसो। मैं भी चंगा चंगा, लेकिन पहला दिन आएगा तो मैं थोड़ा सा नर्वस हाँ आज। थानू नर्वस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुसी मेन पार्ट है। अरे तो मेन पार्ट है इसलिए तो मैं नर्वस हाँ।
और अब हम उस क्लासमेट को यहाँ पर लेकर आने वाले हैं जो यहाँ पर कंटेस्टेंट होंगी. बुलाऊं मैं उनको? ओके, लेट्स कॉल आवर कंटेस्टेंट फॉर टुडे. इनका नाम है विदुला रामलक्ष्मी. गुड टू हैव यू हियर डॉक्टर साहिबा. धन्यवाद. मैंने सुना आप डॉक्टर हैं, पीएचडी किया है और आप झारसुगुड़ा उड़ीसा से हैं. हाँ जी. आपके बचपन की तस्वीर है हमारे सामने. हाँ जी. आप तब भी बहुत खूबसूरत थीं, अभी भी बहुत खूबसूरत हैं. और इस वक्त के जो सवाल थे उनमें से कोई जवाब आपको अभी तक याद है उन सवालों के? कुछ नहीं, क्योंकि 30 साल पहले की बात है. 30 साल पहले की बात है. 4 विषय हम पढ़ते थे, भाषा, गणित, भूगोल और विज्ञान, बस. और कुछ नहीं पढ़ते थे. हम भी आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, सिर्फ 5वीं क्लास के 10 सब्जेक्ट्स में से. ओके. और आपको लगता है आप यहाँ से 5 करोड़ रुपए जीत के जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल. जल्दी से मैं आपको गेम के रूल्स बता देता हूँ. हाँ जी. आपके सामने 1 क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के 10 सब्जेक्ट्स या 10 सब्जेक्ट्स में से 10 सवाल आएंगे. हाँ जी. ठीक है, तो सारे के सारे सवाल जो होंगे आपके सामने ऐसे अलग अलग कैटेगरीज या सब्जेक्ट्स आ जाएंगी. आप कोई भी कैटेगरी कभी भी चुन सकती हैं. अच्छा. और जैसे ही आप पहले सवाल का सही जवाब देंगी तो आपको मिलेंगे, जैसे को आपने क्लास 2 मैथ्स पहले चुन लिया या क्लास 2 एस्ट्रोनॉमी चुन ली, तो आपको उस पहले सही सवाल के जवाब के लिए मिलेंगे 10,000 रुपए. और फिर सेकंड सवाल के लिए मिलेंगे 20. ऐसे ही आप हमारा मनी ट्री या सीढ़ी को चढ़ती हुई 10 सवालों के सही जवाब दे देंगी या 10 सब्जेक्ट के सही जवाब दे देंगी तो आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपया. वाओ. और उसके बाद आएगा हमारा बड़ा 5 करोड़ रुपए का सवाल. यस, 5 करोड़ रुपी क्वेश्चन. ये सवाल हम आपको दिखाएंगे नहीं, इसकी कैटेगरी बताएंगे. और अगर आपको लगे कि आप उसका जवाब देना चाहती हैं तो जवाब दीजिएगा, वरना आप छोड़ सकती हैं. जितने पैसे उसके आपके पास हैं उस वक्त लेकर जा सकती हैं. और वैसे इस गेम की अच्छी खासियत ये है कि जब भी आपका दिल चाहे आप गेम छोड़कर जा सकती हैं. लेकिन हमारी पाठशाला को छोड़ने वाले को बच्चे हम क्या कहते हैं? भगोड़ा कहते हैं. आप खुद पढ़ाती हैं, आप नहीं चाहेंगी घर बैठे बच्चे समझे कि स्कूल छोड़ के चला जाना चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं इस शो के जरिए लोगों को मालूम पड़े पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट होती है. बिल्कुल. तो आप प्लीज छोड़ के मत जाइएगा, पूरा पूरी ताकत लगा के, क्या कहते हैं, दम लगा के, जोर लगा के, ऐसे 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 जरा खेलेगा आप हमारे साथ. ठीक है. और एक मेरी एक शर्त है, एक वादा मुझसे आपको करना पड़ेगा, जो सिंपल सा वादा है. आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं विदुला PhD, डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट और मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं 5वीं पास से तेज नहीं. ओके. वेरी गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस विदुला. सो वी विल स्टार्ट द गेम. गेम शुरू करने से पहले आपको इनमें से एक क्लासमेट को चुनना है जो आपकी इन सवालों में मदद कर सकते हैं. श्रीपर्णा. ओके श्रीपर्णा, श्रीपर्णा बातें भी बहुत करती हैं लेकिन सारे सवालों के सही जवाब भी मालूम. ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पता करते हैं विदुला 5वीं पास से तेज है या नहीं. विदुला आपके सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, जल्दी से चूज करिए सबजेक्ट या सब्जेक्ट की कैटेगरी. क्लास 2 मैथ्स. क्लास 2 मैथमेटिक्स. All the best, Vidula. Thank you. हमारी पाठशाला में आए क्लास 2 मैथमेटिक्स 10,000 रुपए के लिए. Let's have the question. सही या गलत? There are 9 edges in a triangular prism. Triangular prism. अपना जवाब फिक्स कर दिया है. पीएचडी विदुला भी सोच रही हैं. हिंदी में मैं आपको सवाल एक बार पढ़ के सुना देता हूं कि सही या गलत, एक त्रिकोणीय प्रिज्म के 9 किनारे होते हैं. ट्रू ऑफ ऑल, देयर 9 edges इन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म. विदुला, नीचे बेस स्क्वायर यानी 4 edges और उसके ऊपर 4 triangles यानी 4 और edges. आपके पास 3 किस्म की चीटिंग अलाउड है. हालांकि हम चाहेंगे नहीं कोई बच्चा घर में चीटिंग करे, स्कूल में करे. 3 किस्म की चीट्स हैं. पहली चीट है ताक झाक, कि आप श्रीपर्णा या अपने पार्टनर की आंसर को देख सकती हैं और डिसाइड कर सकती हैं उस आंसर के साथ आपको जाना है या नहीं. दूसरा चीट है आपके पास कॉपी,
यानी जो श्री पन्ना ने या अगले पार्टनर ने लिखा है आप उसको कॉपी कर सकते हो, कहते यही जवाब के साथ मैं जाऊंगी, वो चेंज नहीं होगा। और तीसरा चीट है आपके पास, बचाओ, यानी अगर आपने गलत जवाब लिख दिया तो श्री पन्ना ने अगर सही जवाब लिखा होगा तो वो आपको बचा भी सकती है, एक छोटा सा मासूम बच्चा जो आपके घुटनों तक नहीं पहुंचता वो आपको बचा भी सकता है इस गेम के अंदर। 6-9 तो नहीं हो सकते, ये 8 या ये 6-9 नहीं हो सकते। फॉल्स। फॉल्स कहना चाहेंगे? हाँ जी फॉल्स। तो आप इसको फिक्स कर दें फिर वो आंसर मान लिया जाएगा। फॉल्स। फॉल्स। विदिला कानों में उंगली क्यों डाल रही हैं आप? ये सुनाई ना दे कि मैं गलत हूँ। मैं फिर आपको नाक के जरिए सुनवा दूंगा कि आप सही हैं या गलत हैं। अच्छा बताइए। आपके हस्बैंड भी यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ जी। कहाँ पर हैं वो? नमस्कार, कैसे हैं आप सर? ठीक है सर। आपको क्या लग रहा है विदुजा ने जवाब दिया है सही है या गलत है? मैं भी सर कन्फ्यूज हूँ। आप भी कन्फ्यूज हैं? दोनों मैथ में कमजोर है सर। दोनों मैथ्स में कमजोर है। आपका लड़का आया है साथ में? हाँ सर बैठा है। बेटा आप मैथ्स में कैसे हो? जस्ट ओके मतलब सैटिस्फैक्टरी। माशाल्लाह हमारी सारी फैमिली मैथमेटिक्स में वीक है। लेकिन आपने जो आंसर दिया है विदुला वो बिल्कुल गलत है। गलत। आपने कहा फॉल्स, सो ऑफ कोर्स आंसर है ट्रू। और अब सिचुएशन ये है कि अगर आपका जवाब गलत है तो खेल आपके लिए यहीं खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ एक ही चीज आपको यहाँ पर बचा सकती है कि हमारी जो यहाँ पे छोटी सी मासूम सी प्यारी सी बच्ची खड़ी हुई है श्री पर्णा, अगर इसके पास सही जवाब हुआ तो वो आपको बचा सकती है। तो आप दुआ मांग लें, होप कर लें कि इसका जवाब सही हो। दिखाऊं श्री पर्णा का क्या जवाब? कैन वी हैव श्री पर्णा'स आंसर ऑन द बोर्ड प्लीज। अगर उनका जवाब भी फॉल्स हुआ तो आपका गेम खत्म, मगर उनका जवाब ट्रू है। सो एक प्रिज्म के 5 फेसेस होते हैं, 6 वर्टिसेस होते हैं, इसलिए 9 एजेस होते हैं। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गई, मैथमेटिक्स में पूरी फैमिली वीक है, कोई बात नहीं, आपका एक चीट खत्म हो चुका है। 20,000 की तरफ आप बढ़ सकती हैं, आपके 2 चीट सभी बकाया हैं। अब 20,000 रुपए के लिए आपके सामने बाकी बचे हैं 9 सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स की कैटेगरी, प्लीज उसमें से अपना सब्जेक्ट चूज करें। आपको एस्ट्रोनॉमी लेना चाहिए। Class 2 astronomy. 20,000 रुपीज। सवाल दिखा जाए प्लीज। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके पास चॉइसेस भी हैं, ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी शनि। विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी शनि। 20,000 रुपए के लिए है। बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है शनि के तो वो रिंग्स होते हैं तो शनि बड़ा नहीं हो सकता। शनि के रिंग्स होते हैं तो वो बड़ा नहीं हो सकता। हाँ मतलब उसके चारों तरफ जो रिंग्स हैं वो तो ना। बृहस्पति शुक्र ना, बृहस्पति वीनस। बिल्कुल पक्का हो तो बोलेगा क्योंकि अब बचाव की जो चीट है वो खत्म हो चुकी। बृहस्पति। अब ऐसा लग रहा है ना कि जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं बेचारों को हम बहुत परेशान करते हैं। सही में है ना? आई नो। आज से एक नई इज्जत होगी हमारे दिल में 5वीं क्लास के बच्चों की। बहुत। बृहस्पति। कॉन्फिडेंट हैं? 20,000 रुपीज के लिए हैं। अगर गलत हुआ तो आपको कोई बचा नहीं सकता।
क्या करना चाहेंगे? फिक्स करना चाहेंगी तो दबा के फिक्स कर सकती हैं भोपू को। भोपू बृहस्पति आपको शायद मालूम नहीं है कि शनि के रिंग्स हैं। हाँ जी। जैसा आपने कहा जी। बहुत सारे रिंग्स हैं। हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत विशाल है। आप उस तरफ बढ़ रही थी, आपने वो क्यों नहीं चुना? मुझे लगा बृहस्पति होगा। आपको मालूम है अगर आपका जवाब गलत हुआ तो खेल यहीं खत्म हो जाएगा। जी यू आर राइट। 20,000 rupees। वेरी वेल डन। वेरी गुड मेदुला। आपके दो सवाल हो गए, 20,000 rupees हो गए हैं। और बैड न्यूज़ पहले आपको देता हूँ। बैड न्यूज़ ये है कि श्रीपर्णा या जो भी बच्चा यहाँ पर आएगा वो सिर्फ दो सवालों के लिए आपकी मदद कर सकता है। तो श्रीपर्णा अब यहाँ से जाएंगी। थैंक यू श्रीपर्णा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, गुड न्यूज़ ये है कि आप जो है बाकी बचे 4 बच्चों में से फिर से किसी बच्चे को यहाँ पर ला सकती हैं जो दो सवालों के लिए आपकी मदद करेगा या करेगी। अनुभव, कम ऑन अनुभव दादा, क्विकली। अब अनुभव आपके पास है, आपके सामने आपके सब्जेक्ट्स या कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। आप जल्दी से जी चूज करें सब्जेक्ट। अनुभव क्या? मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और जनरल नॉलेज। मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस। ओके, क्लास 1 मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस। ओके विदुला, 50,000 rupees के लिए मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस। लेट्स हैव द क्वेश्चन प्लीज। आपका सवाल है, मुगल बादशाह शाहजहां की समाधि किस शहर में स्थित है? इन व्हिच सिटी वाज द मुगल एम्परर शाहजहां बेरिड? मुगल बादशाह शाहजहां, शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया था आगरा में, और उनके समाधि के बाजू में शाहजहां की भी समाधि है, तो उत्तर आगरा होना चाहिए। उत्तर आगरा मतलब नॉर्थ आगरा? देखना चाहेंगे बच्चों ने क्या लिखा है? हाँ जी बिल्कुल। लेट्स सी हमारे बच्चों ने क्या जवाब दिया है। ताजमहल आगरा यूपी, आगरा ताजमहल, आगरा आगरा एंड ताजमहल। जब बच्चों ने इतना बोला है तो सही होगा। एब्सोल्यूटली राइट। 50,000 rupees। वेरी वेल डन। आप 50,000 rupees जीत चुकी हैं, लेकिन थोड़ी बहुत टेंशन तो हो रही होगी। जी बिल्कुल। एब्सोल्युटली। तो मुझे भी जब टेंशन होती थी क्लासरूम में तो मैं टीचर के सामने हाथ उठा के कहता था, मिस क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? मिस थोड़ी देर के लिए हम बाहर जाएंगे, थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे। ठीक है, हम चाहेंगे कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन वापस आएंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप 5 crore rupees यहाँ से जीतें। और एक बात और भी चाहेंगे कि आप लोग जो घर पर बैठकर हमें देख रहे हैं, आप सब भी कुछ इनाम जीतें मेरा होमवर्क करके। जी हाँ, अब मैं आप सबको दे रहा हूँ होमवर्क, यानी एक सवाल जिसका जवाब आप झट से हमें भेजिए और जीतिए घर बैठे हुए 1,00,000 rupees। हर एपिसोड में पूछे जाएंगे 1,00,000 rupees के 2 सवाल। तो आज का पहला सवाल है ये। आज का बजाज आलियंस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदू मान्यता अनुसार कौन से देवता अपने 10वें महा अवतार में कल्की रूप धरेंगे? आपके ऑप्शंस हैं 1 शिव, 2 विष्णु, 3 ब्रह्मा। सही जवाब अगर आप बोलती जी तो क्या बोलती? क्या आज एमए गोल्ड मेडलिस्ट वेदुला रामालक्ष्मी खुद को 5वीं पास से तेज साबित कर पाएंगी? क्लास 3 में बच्चे इतना पढ़ते हैं? पता कीजिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एयरटेल प्रेजेंस। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? और मेरे साथ मेरी इस पाठशाला इस क्लास में खेल रही हैं डॉक्टर वेदुला, जो अभी तक 50,000 rupees जीत चुकी हैं और अब 1,00,000 rupees जीतने की फिराक में हैं। सो वेरी गुड। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। वेरी गुड। पता करते हैं आपकी PhD आपको कितने पैसे यहाँ से दिलाती है। अगली कैटेगरी आपके सामने है, जल्दी से चूज करें। अगली कैटेगरी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जनरल नॉलेज और स्पोर्ट्स। प्लांट किंगडम
चलेगा। ओ, चलेगा? नहीं दौड़ेगा। दौड़ेगा? ओके देन, क्लास थ्री प्लांट किंगडम। 1 लाख रुपए के लिए है विदुला ये सवाल। क्लास थ्री प्लांट किंगडम, लेट्स हैव द क्वेश्चन प्लीज। इनमें से क्या बीज का एक भाग है जो जड़ के रूप में विकसित होता है? ए रेडिकल, बी पेटियोल, सी लामिना। लामिना। मेरी कुर्सी के पीछे। ओ ओ, जस्ट टू लेट यू नो, अगर आपको अच्छा लगता है कि ये जो चार छोटे से बच्चे हैं उन्होंने भी अपना जवाब फिक्स कर लिया है, तो यहाँ के जवाब में देख सकता हूँ और वो सही हैं। प्रोफेसर साहब, मुझे चांसेस लग रहे हैं कि बेटा आपसे पढ़ाई नहीं करेगा। क्या करना चाहेंगे? चीट्स हैं आपके पास, कॉपी है, ताक झाक है, या आपको लगता है आपको जवाब मालूम? ताक झाक। ताक झाक करना चाहेंगे? एक छोटे से बच्चे से चीटिंग करना चाहेंगे आप? क्या करेंगे अब? ओके, आपको हम ताक झाक का मौका देते हैं। पहले आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आप ताक झाक के, हमको मालूम पड़ जाए कि आप बैक आउट नहीं करेंगे। जी कहिए। मैं एक छोटे बच्चे से ताक झाक करना चाहती हूँ। मैं एक छोटे बच्चे से ताक झाक करना चाहूंगी। प्लीज, इतने प्यार से कह रही है तो दिखाई दीजिए आवाज से। रेडिकल, उसको लगता है इसका जवाब है रेडिकल। डिसीजन विदुला आपका है, ये सही है या गलत, या पेटियोल है या लामिना है। आप चाहें तो ये आंसर ले सकती हैं या दूसरा आंसर भी दे सकती हैं। जरूरी नहीं कि ये सही है। अच्छा, दूसरा आंसर मैं दे सकती हूँ। दूसरा दे सकती हैं। ये ताक झाक है, ये आपने सिर्फ ताका और झाका और डिसाइड किया कि लिखूं कि नहीं लिखूं। अच्छा, तो रेडिकल। रेडिकल। मुंह क्यों बना रही हैं आप? पूछ रहे हैं अनुभव से कि ठीक है। हाँ, अनुभव जरूर बता देगा आपको। क्या पता सब कंप्यूटर महाराजों को बताए। अच्छा। क्लास थ्री में बच्चे इतना पढ़ते हैं? ये वाला बच्चा तो पढ़ता है लग रहा है। क्या करना चाहेंगे? I'll fix radical. Radical. आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है आंसर क्या है। आपको अगर कुछ और चूज करना पड़ता, आपने रेडिकल बोल दिया है। आप अगर कुछ और चूज करना चाहती जो बच्चे का नहीं होता तो क्या चूज करती? मैं शायद रेडिकल ही चूज करती। रेडिकल ही चूज करती हैं? क्यों ऐसा लगा आपको? I don't know, but लगा मुझे कि शायद रेडिकल ही होगा। हाँ है, नहीं है। God. उसको भी पक्का मालूम नहीं है। जल्दी करो, वो थक रहा है। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि अनुभव, लाइक ऑलवेज, इज करेक्ट। 1 लाख रुपीज। रेडिकल इज द राइट आंसर। अनुभव, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। तो आपके पास हो गए हैं अब 1 लाख रुपए और अनुभव ने दो सवालों का सवालों की मदद कर चुके हो तुम तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। नए बच्चे को चूज कीजिए, फटाफट वापस जाइए मेरी क्लास में और जब तक मैं बुलाऊं नहीं तब तक उठना नहीं। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। एक अपने क्लासमेट को चूज करें, आपके पास अभी भी एक चीट बाकी। मिलन जी। ओके मिलन जी, चक दे फटे। हाँ जी, चक दे। ये बड़ी अच्छी मदद करेगा, बहुत स्मार्ट लड़का है। लेकिन स्मार्ट तभी है अगर आप 2 लाख रुपए का जल्दी से कैटेगरी या सब्जेक्ट चूज करके इसको बताएं कि आपका सवाल क्या है। मुझे लगता है आपको ज्योग्राफी के साथ जाना चाहिए। ज्योग्राफी क्लास वन की? हाँ जी, ले ले। क्लास वन की ज्योग्राफी। क्लास वन ज्योग्राफी। एक बात और मैं आपको बता दूं सवाल बताने से पहले कि 2 लाख रुपए हमारा पड़ाव है जहां से मिनिमम आप 2 लाख रुपए यहां से जीत के जा सकती हैं। इससे कम पैसे आप नहीं जीतेंगी अगर ये सवाल का सही जवाब दे दिया। आपका सवाल है, एवरेज गहराई के अनुसार विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? मिलनजीत अपना जवाब लिख रहा है और उसने अपना जवाब इन टर्म्स ऑफ एवरेज डेप्थ विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड विदुला। Terms of average depth.
ओशंस के नाम बताइए, कौन से ओशंस के नाम मालूम है आप? मेरा जी, वो भी टीचर है, जब तुम पीएचडी करोगे तो इन्हीं के पास जाओगे पढ़ने के लिए, लेकिन इस वक्त ये तुमसे पढ़ाई लिखाई सीख रही है। पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, एंटार्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन है क्या? मुझसे पूछ रही है? हाँ जी। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ आपको। आपसे जब क्लासरूम में ऐसे टीचर से पूछते हैं तो बता देती हैं आप कि मैम इसका आंसर क्या है? एग्जाम के वक्त मैं भी कैसे बताऊं? वक्त खत्म हो रहा है, कॉपी बाकी है आपका, भी कॉपी कर सकती हैं, चांस ले सकती हैं या अपना आंसर फिक्स कर सकती हैं। क्या करेंगे? कॉपी? नहीं, नहीं। मैं भी टेंशन में आ रहा हूं। कॉपी। सही जवाब। अगर आप बोलती जी तो क्या बोलती? मैं पैसिफिक ओशन ही बोलती। अगर आप पैसिफिक ओशन बोलती तो आपका जवाब होता बिल्कुल सही। सही, बट अगर मिलनजीत ने पैसिफिक ओशन नहीं लिखा है तो अनफॉर्चुनेटली आपका गेम यहीं खत्म हो जाएगा और आपको एक भी पैसा यहां से जीतने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप दुआ कीजिए कि मिलनजीत ने भी पैसिफिक ओशन आंसर लिखा है। कैन वी सी कि मिलनजीत का जवाब क्या है? यस, यस, पैसिफिक ओशन। Very good. You've got 2 lakh rupees, Vidula. Thank you very much. Minimum आप 2 lakh rupees यहाँ से जीत कर जाएंगी। मतलब ये पक्का है? ये पक्का है कि 2 lakh rupees minimum आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और औसत का मतलब ये था कि the mean depth of the Pacific is 14,040 feet, 14,040 feet है। जी। बहुत टेंशन हो गई है, मुझे लग रहा है टिफिन टाइम एक और करना पड़ेगा हमको। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप एक छोटे से टिफिन टाइम के लिए फटाफट जाएं और जल्दी से आएं, क्योंकि विदुला यहां पर 2 लाख तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन जाने से पहले अब होमवर्क का दूसरा सवाल है ये। आज का बजाज एलियंस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस देश को डाउन अंडर कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 दक्षिण अफ्रीका, 3 जिम्बाब्वे। चीटिंग करके वेदुला ने 2 लाख रुपए तो जीत लिए। अब हम जा रहे हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, लेकिन अब उनके पास कोई चीट बाकी नहीं है। अगर आंसर गलत भी हुआ तो देखते हैं बच्चों की मदद के बिना वेदुला का कॉन्फिडेंस कब तक बरकरार रहता है। मैं प्रमोद त्रिपाठी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ और मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि मैं 5वीं पास से तेज हूँ। डोंट मिस इट। वेलकम बैक, और हमारी अनोखी पाठशाला में फिर से आपका स्वागत है। मैं खेल रहा था विदुला रामलक्ष्मी के साथ, जो पीएचडी हैं हिंदी में, उड़ीसा से हैं, झारसुगुड़ा से हैं, और पढ़ाती भी हैं और बहुत बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो 2 लाख रुपए तक जीत चुकी हैं, बहुत अच्छा खेली हैं। थोड़े से उनके जो चीट्स थे, 3 चीट्स, वो ख़त्म हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि मिलनजीत मेरा चंगा मुंडा वो अब यहाँ पर नहीं रहेगा उनकी मदद करने के लिए। सो थैंक यू मिलन फॉर बीइंग विद अस। विदुला, जैसा आपने सुना कि अब आपके पास कोई चीट बकाया नहीं है, यानी ये बच्चे जो हैं अब यहाँ पर आके आपकी मदद नहीं कर सकते, सिर्फ 3 चीट्स के लिए या 10 सवालों में हर 2 सवाल के लिए आ सकते हैं। चीट्स खत्म तो बच्चों का पार्टिसिपेशन आपके लिए खत्म, क्योंकि अब हम जा रहे हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, यानी 1 करोड़ के पड़ाव की तरफ, 5 लाख रुपए के लिए। अब आपके सामने 5 कैटेगरीज या सब्जेक्ट्स हैं, जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करें कि आपसे सवाल पूछे। क्लास 3 इंडियन हिस्ट्री, 5 लाख रुपए के लिए विदुला के लिए सवाल दिखाया जाए। आपका सवाल है, किस अंग्रेज शासक के शासनकाल के दौरान
तत्कालीन राजधानी कोलकाता के बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया? ब्रिटिश रूलर। ड्यूरिंग विच ब्रिटिश रूलर्स रेन वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम कोलकाता? अगर आंसर गलत भी हुआ तो 2 लाख रुपए आपके पास हैं, 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे और गेम खत्म हो जाएगी क्योंकि आपके सारे चीट्स खत्म हो चुके हैं। क्या करना चाहिए? हमारी क्लास छोड़ के भाग सकती हैं 2 लाख रुपए लेकर, या फिर जो दिमाग में कुछ आ रहा है नाम बोलिए। कौन से ब्रिटिश रूलर्स के नाम आपको मालूम? महारानी विक्टोरिया है। विक्टोरिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी। ऊंचा बोलिए थोड़ा। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो चुकी थी और मतलब भारत जो है ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश बन चुका था। क्या जवाब देना चाहेंगे? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया कहना चाहेंगे? हाँ जी। फिक्स कर लें अगर आपको लगता है महारानी विक्टोरिया? हाँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई आंसर समझ में भी नहीं आ रहा, तो महारानी विक्टोरिया। आपका जवाब है महारानी विक्टोरिया 5 लाख रुपए के लिए। अगर ये जवाब गलत हुआ तो मिनिमम आप 2 लाख रुपए यहाँ से लेकर जाएंगी, अगर सही हुआ तो ऑफकोर्स 5 लाख रुपए आपके पास आ जाएंगे। और ये पहला सवाल तकरीबन आपने दिया है बिना बच्चों की मदद के। जी याद दिला दूं मैं आपको। जी जी बताऊं बच्चों ने क्या लिखा है? हाँ जी लिखा है। कैन वी हैव कि बच्चों ने क्या लिखा है जवाब? जॉर्ज, जॉर्ज द फिफ्थ, जॉर्ज पंचम। आपने जवाब दिया है विक्टोरिया, लेकिन जॉर्ज द फिफ्थ इज द राइट आंसर। सो लेट्स हियर इट फॉर द किड्स। लेकिन आप फिर भी बहुत अच्छा खेली, आप यहाँ पर आई, आपने हमारा दिल बहलाया, आपने स्माइल दिखाया, इतनी खुशी से यहाँ पर आप खेली। और आपको उस वाले कैमरा में देखकर कहना पड़ेगा कि झारसुगुड़ा के सारे वासियों, मेरे सारे स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल इंक्लूडेड, मैं विदुला रामलक्ष्मी, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, और क्या क्या, और कितनी डिग्रीज हैं आपके पास? ये कहने के लिए शायद ये भी बहुत है। ओके, तो इतना ही कहिए और बता दीजिए दुनिया को कि आप सब कुछ हैं लेकिन 5वीं पास से तेज नहीं है। मैं डॉक्टर, डॉक्टर तो बड़ा अच्छा, वेरी गुड, रामलक्ष्मी, डॉक्टर विदुला रामलक्ष्मी। मैं डॉक्टर विदुला रामलक्ष्मी, माना हिंदी में डॉक्टरेट किया है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये मुमकिन ही नहीं कि हर इंसान हर कुछ जानता है, और अगर मैं ये नहीं जान पाई तो मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच विदुला कि आप यहाँ पर आई, आपने हमारे साथ इस गेम में पार्टिसिपेट किया, हमने आपको स्माइल करते हुए देखा और आप बहुत बहुत अच्छा खेली। कम ऑन किड्स, लेट्स हियर इट फॉर विदुला वंस। बट थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट इन लाइफ, हैव अ वेरी गुड लाइफ एंड ऑल द हैप्पीनेस टू यू फ्रॉम 5वीं पास। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, लेट्स हियर इट फॉर विदुला। आज पहले दिन की पहली क्लास के दूसरे स्टूडेंट है 29 साल के इंग्लिश ट्रेनर प्रमोद कुमार त्रिपाठी फ्रॉम इंदौर। एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर प्लीज। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड प्रमोद। गुड इवनिंग सर। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर देखकर, बड़े खुशी से आ रहे हो तुम जोश के साथ। आपको जितना अच्छा लग रहा होगा उससे कहीं लाखों लाखों गुना ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है। थैंक यू प्रमोद, हमें और भी अच्छा लगेगा अगर तुम 5 करोड़ रुपए यहाँ से जीत कर जाओगे। हमारे पास तुम्हारे बचपन की तस्वीर है। जी एकदम बड़े स्मार्ट से और शरीफ से लग रहे हो। नहीं मैं तो कार्टून लग रहा हूँ। नहीं नहीं कार्टून नहीं लग रहे हो, थोड़े से उस जमाने से लेके इस जमाने तक थोड़ा हेल्दी हो गए हो बस। हाँ थोड़ा सा, और बाल बाल तुम्हारे हीरो टाइप हो गए एकदम, मेरे को लग रहा है ऐसा। वहाँ पे मम्मी एकदम डांड डांड के बाल ऐसा कोम करके रखती थी। जी और एक बात बताता, तुम अंग्रेजी सिखाते हो, ट्रेनर हो अंग्रेजी के, और कुछ एक नई तरीके का इन्होंने अंग्रेजी में शुरुआत की है, अंग्रेजी सिखाने का तरीका। उसके अलावा तुम हिंदी गाने अंग्रेजी में गाते हो। हाँ जी। तो कोई हिंदी गाना उसको अंग्रेजी में गा के सुनाओ हमें। सर मैं हिंदी गाना अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि उसके अंदर जो रैप है वो मैं हिंदी में फील करता हूँ। क्या बात है। तो हिंदी गाना अंग्रेजी में और रैप हिंदी में होगा, उसका नमूना देखिए। तो हमारे पास आज शो पर फर्स्ट टाइम एक नए रैपिस्ट आए हैं, चलिए आप सुनाए हमारे पास गाना। सुनाए
बीत रही थी सुरभित रम्या अंश झलकने वाली थी, स्वप्न में मुकुलित आस से तुषा या दिन करके लाली थी। My dream girl, when will you come to me? Buds are blooming, when will you come to me? Life's moving fast, when will you come to me? Oh, come soon, come soon. पिंगल वर्णी वस्त्र में वीणा अलंकार, अरुणो पलका रदच्छद डूबे मधुमयता में कुसुमित लटवा संतिका। यो लोलित नाम में तने त्रम्बिया इंद्रायण की डाली थी, स्वप्न में मुकुलित आस तुषाया दिन कर की लाली थी। यो लवलैंड rose in the garland, romance in my heartland asks about how more will you give this creek to me, my dream girl, when will you come to me, man? Yo, dude, you know my cool, man. Yeah, that's really cool. Fantastic. Yo, yo, yo. Okay, yo. ओके यो प्रमोदो, अभी क्या है कि हम तुमको रूल्स नहीं बताएंगे क्योंकि रूल्स तुमको समझ आ गए हैं, हमारी ऑडियंस भी देख चुकी है। जल्दी से तुम ऐसा करो, अपना एक पार्टनर, एक क्लासमेट चूज करो जो तुम्हारी मदद करेगा, फिर देखते हैं तुम कितने यो यो हो आंसर्स देने के अंदर। तो जल्दी से एक प्लेयर, जल्दी से वहां से क्लासमेट चूज करके आ गया। मेरे साथ श्रेया खेलेगी। श्रेया शिरू, कम ऑन श्रेया, कम ऑन। हेलो, दिस इज प्रिटी प्रिंसेस श्रेया। और श्रेया जो है बहुत स्मार्ट भी हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, बहुत स्वीट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे सवालों में तुम्हारी बहुत मदद करेंगी, चीटिंग के अंदर तुम्हारी मदद करेंगी। लेकिन मेरे साथ एक डील, एक शर्त है, एक वादा तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ से 5 करोड़ रुपए जीतकर नहीं गए, तुम्हें उस वाले कैमरा में देखकर इंदौर और पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने, ये शो 56 मिलियन लोग देखते हैं, उनके सामने बोलना पड़ेगा कि मैं प्रमोद त्रिपाठी इंदौर से, जो खुद इंग्लिश ट्रेनर हूँ और अपने आप को काफी स्मार्ट समझता हूँ, लेकिन मैं 5वीं पास से तेज नहीं। डेफिनेटली आई डू रिहर्सल। रिहर्सल कर लो थोड़ी सी, एक बार कैमरा में देख के, बड़े बड़ों की छुट्टी हो जाती है यहाँ पर। नहीं, रिहर्सल मुझे नहीं करना है। रिहर्सल करने से मेरे को थोड़ा सा पनौती हो जाती है। हाँ, कुछ 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 टेंशन हो जाएगा। पहले से क्यों बोले, जब होगा तब देखेंगे आगे। तो फिर ये बोल लो कि मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा इंशाल्लाह जब तुम जीत जाओगे। हाँ, मैं प्रमोद त्रिपाठी, मैं इंग्लिश ट्रेनर हूँ और मैं 5वीं पास से, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि मैं 5वीं पास से तेज हूँ। उस कैमरा में देखकर बोलो, मैं प्रमोद त्रिपाठी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ और मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि मैं 5वीं पास से तेज हूँ। यो यो यो, ऑलराइट, देखते हैं एयरटेल प्रेजेंट्स, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट। ओके, 10,000 रुपए के लिए तुम्हें अपनी कैटेगरी चूज करनी। English के प्रोफेसर I will go with श्रेया, Class 1 English। 10,000 रुपए के लिए Class 1 English का सवाल प्रमोद के लिए प्लीज दिखाया जाए। तुम्हारा सवाल है, सही या गलत, तुलसी पौधे का अंग्रेजी नाम बेजिल या बेजिल, BASIL, बेजिल है। मुझे प्रोनाउंसिएशन खुद ठीक तरह से मालूम नहीं है। Actually, it is basil. असल में है बेसिल। बेसिल। श्रेया ने अपना जवाब फिक्स कर दिया है, तुम्हें क्या लगता है? कर दिया है और मैं उसके साथ जाऊंगा, मुझे भी लगता है बेसिल करेक्ट है। ओके, तुमने आंसर फिक्स किया है बेसिल, 10,000 रुपए के लिए। बड़े कॉन्फिडेंस से तुमने बोला, तुम्हें मालूम है पक्का? हाँ, श्रेया मेरे साथ है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, 10,000 रुपए, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा खेल लो। जल्दी से दूसरा सवाल तुमसे करते हैं, सब्जेक्ट। ओहो, स्कूल की घंटी बज गई यानी छुट्टी हो गई। यही एक स्कूल है जहां पर घंटी बजती है तो दुख होता है, लेकिन फिक्र मत करो, हम तुमको कल शाम को, आज रात भर तुम हमारे स्कूल में यहीं पर सोना डेस्क के ऊपर, कल शाम को हम तुम्हारे साथ फिर सवालों का सिलसिला जारी करेंगे। और श्रेया तुम जाके बैठ जाओ, कल तुम्हारी भी बारी फिर से आएगी, प्लीज गो एंड सिट डाउन। और मैं सबको बता दूं कि हमारा ये पहला शो था और अब हम हर रोज फ्राइडे सैटरडे संडे 8 बजे आपके घर में आएंगे, आपको पढ़ने को कहेंगे और आगे बढ़ने को कहेंगे। लेकिन स्कूल जब खत्म होता है तो एक टीचर का ये फर्ज है कि वो अपने बच्चों को जाने से पहले एक कहानी सुनाए। तो मैं अपने बच्चों को एक फटाफट कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को कहते हैं खान की कहानियाँ। और मेरी उम्मीद यही है कि इनका ये कहानियाँ सुनकर आपको कुछ सीख मिलेगी, अगर सीख मिलेगी तो बहुत अच्छा, अगर सीख नहीं मिलेगी तो और भी अच्छा। इस कहानी का नाम है टॉप कैसे आते हैं, क्योंकि जो माँ बाप हैं हमेशा अपने बच्चों से कहते रहते हैं कि पढ़ाई में टॉप आओ भाई, खेल कूद में टॉप आओ। तो मेरे टॉप आने की एक कहानी बताता हूँ। बहुत सालों पहले की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, मैं अपने स्कूल में टॉप में रहता था, मैं अपनी क्लास में भी टॉप में रहता था। जो भी सब्जेक्ट का टीचर होता या होती, मुझे उस सब्जेक्ट में हमेशा टॉप में ही रखती या रखता। वाह!
मालूम है बच्चों, मैं टॉप पे कैसे रहता था? मैं टॉप पे यूं रहता था कि जैसे ही टीचर क्लासरूम में आती थी, मुझे देखती थी, मेरी शक्ल देखती थी और कहती, शाहरुख तुमने फिर से होमवर्क नहीं किया, चलो बेंच के टॉप पर खड़े हो जाओ। ओके, आई एम सॉरी, मेरे बच्चों को लगता है ये फालतू जोक था, तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि मेरे जोक्स बहुत सारे फालतू होंगे इस शो पर, लेकिन ये सीख तो जरूर मिली होगी कि आप अगर इस शो पर आएंगे, इस शो पर खेलेंगे, तो आपकी अकल भी बढ़ेगी और आपके यहाँ बैंक बैलेंस भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो 8 बजे हम फ्राइडे सैटरडे संडे आपके पास आते रहेंगे, यानी कल 23 घंटे के बाद हम फिर से आएंगे, और क्योंकि वो कल है इसलिए अलविदा नहीं, हम बोलेंगे कल विदा। आपको क्या लग रहा है, विदुजा ने जवाब दिया है सही है या गलत? मैं भी सर कन्फ्यूज हूँ। आप भी कन्फ्यूज हैं? दोनों मैथ में कमजोर है सर। दोनों मैथ्स में कमजोर है। बेटा आप मैथ्स में कैसे हो? जस्ट ओके। माशाल्लाह हमारी सारी फैमिली मैथमेटिक्स में वीक है। मैं क्विज के लिए हमेशा तैयार। मैं टाटा स्काई के एक्टिव लर्निंग पर रोज 50 सवाल जो तैयार करता हूँ।